नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन सॉस के बारे में जो कि आप अपने कॉन्टिनेंटल के फूड ट्रायल में दे सकते हैं। अब आप अपने फूड ट्रायल के लिए जाते हैं तो जो एक चीज होती है चिकन, वो तो आपको देना ही देना पड़ता है, वो कंपलसरी आप लगा सकते हैं अगर आप नॉन वेज वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आजकल कुछ वेज रेस्टोरेंट भी होने लगे हैं कॉन्टिनेंटल वाले, बट अगर आप एक नॉनवेज मेन्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो चिकन तो कंपलसरी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चिकन के डिश दे रहे हैं तो सॉस तो कोई ना कोई देनी ही पड़ेगी। और जनरली या अधिकतर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जो सॉस देते हैं वो होती है पेपर सॉस, मशरूम सॉस, और उसका कलर हमारा लाइट ब्राउनिश होता है, एक तरीके से वो डेमी ग्लेज होता है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रायल देने जा रहे हैं तो आप जो चिकन वनूते सॉस हैं और उसके जो तीन डेरिवेटिव हैं या जो मेन सॉस की तीन सिस्टर्स यहां से निकल रही हैं, ठीक है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रिल चिकन दे रहे थे तो आपको जो ब्राउनिश कलर की सॉस या जो डेमी ग्लेज सॉस है वो यूज़ करना होता है। बट अगर आप चिकन को ग्रिल नहीं कर रहे हैं और आप एक ऐसी डिश बना रहे हैं जैसे कि हमारा रोलाड हो गया, ठीक है, रोल करके हम लोग बना देते हैं, ठीक है, या फिर आपका पोच चिकन हो गया, बॉयल्ड चिकन हो गया, या किसी प्रकार का स्ट्यू हो गया जिसमें कि आपको चिकन को स्टीम करना पड़ा है, रोस्ट या ग्रिल करना नहीं पड़ा है, तो आप वहां पे इस सॉस का यूज कर सकते हैं। तीनों ही सॉस बड़ी आसानी से बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी भी होती हैं। तीनों के तीनों मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सभी अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉन्टिनेंटल के परफेक्ट शेफ बनना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हैं उनको इसको भेज देना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चिकन वलूते होता क्या है। अब चिकन वलूते हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है। हमारा वाइट स्टॉक चिकन का, कंप्लीटली वाइट कलर का अच्छा सा स्टॉक होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस हमारी वाइट रूट। और रू अगर हम ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो हमको सिर्फ बटर से ही बनानी है, ऑयल या पानी से नहीं बनानी, ठीक है। तो ये सबसे पहला रूल है हमारा, हमारे जो वनूते बनाने का। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन वनूते रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी पहली सॉस आ रही है वो है हमारी सुप्रीम सॉस, जिसको कि हम लोग सुप्रीम सॉस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमें वनूते लेना है, वाइट वाइन लेनी है, पार्सले लेने हैं, सैलेड्स लेने हैं और मशरूम काट लेने हैं रफली रफली, और इन सबको अच्छे से हमको क्या करना है, हमको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद या थोड़ा सा उनको कुक करने के बाद जो वलूते हैं, वलूते के अंदर हमारा वाइन का टेस्ट, हल्के से जो पार्सले के जो डंडिया होता है उनका टेस्ट, सैलेड्स का टेस्ट, छोटे वाले जो प्याज होते हैं और मशरूम की ट्रिमिंग का टेस्ट वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मशरूम, प्याज, पार्सले वगैरह ऐड कर रहे तो हल्का सा कलर हमारे यहाँ पे क्रीमिश हो जाएगा या ऑफ वाइट हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को स्ट्रेन कर लेना है और स्ट्रेन करने के बाद हमको लेना क्या है, एग योक और क्रीम। एग योक जो हमारा येलो वाला पार्ट होता है और क्रीम होता है, उनको आपस में मिक्स करना है और स्ट्रेन करने के बाद हमको ये दोनों चीज़ें उसमें डाल देनी है और उसको अच्छे से जैसे हम लोग मेयोनीज या हॉलैंडाइज मिक्स करते हैं वैसे हमको कर लेना है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा अलग सा टेस्ट हमारे सॉस के अंदर आ जाएगा जो कि लोगों को ढूंढ पाना कि भैया इसमें ऐसा क्या है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा लेमन जूस आपको ऐड कर देना है और आपकी जो सॉस बनके रेडी हो जाएगी, आपकी सुप्रीम जो एकदम टेस्टी सॉस है वो आपकी बनके रेडी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरी सॉस है वो है हमारी मशरूम सॉस। आप मशरूम सॉस को भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ब्राउन कलर की सॉस नहीं बना रहे मशरूम की, यहाँ पे हमारी ऑफ वाइट कलर की या हल्की सी क्रीमिश कलर की हम लोग सॉस बना रहे हैं। कम्प्लीटली वाइट कलर की सॉस हमको नहीं बनाना है क्योंकि जब भी हम कुछ इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करते हैं तो वो भी अपना कलर छोड़ते हैं। हमको सुप्रीम सॉस लेना है, सेपरेट हमने सुप्रीम सॉस रेडी कर लिया है। हमको उसके अंदर थोड़े मशरूम, जो बटन मशरूम होते हैं स्पेशली आपको ध्यान रखना है, बटन मशरूम जो हमारे होते हैं वही हमको डालने हैं फ्रेश वाले काट के और आपस में इनको थोड़ा सा कुक करना है। अगर आप चाहो तो जो बटन मशरूम को थोड़ा सा बटर के अंदर या फिर अपने ऑलिव ऑयल के अंदर सौते कर सकते हो और फिर ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम लोग अपने जो बीफ में या हम लोग अपने जो चिकन में भी एक्चुअली यूज़ करते हैं मशरूम सॉस, वैसे ही सेम, बट यहाँ पे जो बेस हो जाएगा वो हमारा सुप्रीम सॉस हो जाएगा और ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है। और तीसरा सबसे लास्ट है यहाँ पे हमारी आइवरी। आइवरी क्या होता है, सेम यहाँ पे सुप्रीम सॉस, उसको ही हम लोगों ने बेस रखा है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पे, ठीक है। जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने आपको बोला ना, जो हमारे एग योक और क्रीम है जिसको मिक्स करके डाल रहे हैं, यही है, ठीक है। ये आपको किसी को नहीं बताना, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपकी सुप्रीम सॉस रेडी होगी और आपको लेना है मीट ग्लेज।
मीट ग्लेज में यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मीट ग्लेज में आपका यहाँ पे जो अगर मटन है या फिर बीफ है या फिर पोर्क है कुछ भी हो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उसके स्टॉक को आपको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लेना है। अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 1 लीटर स्टॉक था, तो लगभग वो हमारा 10% ही रह जाएगा और जो हमारा स्टॉक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसको आपको यूज करना है किसमें, आपकी आपकी जो सुप्रीम सॉस के अंदर, और मिक्स करके थोड़ा सा कुक कर देना है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप चिकन का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे चिकन का ग्लेज यूज कर लेना, मीट का नहीं मिलता। ये नहीं कि आप मीट का ग्लेज अलग से बनाओ, तो आप चिकन का जो स्टॉक होगा ब्राउन कलर वाला यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना ब्राउन कलर वाला, उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देना है और उसको आपको मिक्स कर देना है। तो ये तीनों सॉस देखा कितनी आसान थी और सिंपल थी, बेस आपको सुप्रीम का ही रखना है, और यहाँ पे आप अपने पोज चिकन के साथ इसको दे सकते हैं या चिकन रोलाट के साथ भी आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको जाके ट्रायल में जरूर आप जाके यूज करोगे, और मुझे नीचे आके जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपने ट्रायल के अंदर आके बताओगे कि कैसा आपका ट्रायल रहा, क्योंकि सक्सेसफुल तो आप हो ही चुके हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।